वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम केशव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हमारे टेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट, इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में स्टडी कर ली है। आज हम द पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाक्य के अंत में या, ये, ई इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने खाना खाया, पिया, सोया, बैठा, जागा, चला, मैं गया, मैं आया, मैं नहाया, मैं रोया, मैं सोया, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस होते हैं, मतलब कि जो काम हमने पास्ट में किया, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वैसे हमारी डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हम डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर कहा था, ध्यान हो तो, कि आपको वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लर्न करनी है। अभी तो सेकंड फॉर्म है ना, देखिए गो की सेकंड फॉर्म क्या बनी थी, वेंट। तो ये जो नीचे वेंट के नीचे जितनी भी है ना, ये पास्ट में जो फॉर्म दी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है। अब इसी सेकंड फॉर्म का अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, राइट। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा पैटर्न होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, आपको ध्यान है अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फिर वर्ब आएगा। लेकिन वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिएगा, आई रोट ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर आई के साथ में रोट लिखा गया है, रोट क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म तो आएगी। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बेस पर वर्ब लिखने की मतलब की टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया ए लेटर। अब इसके बाद में सेकंड सेंटेंस देखिए, वी प्लेट वेल, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। यदि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, आपको ध्यान हो तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, ठीक है, तभी वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी होगा, क्यों, क्योंकि नॉट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, पास्ट इंडेफिनेट की, वह है डिड। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद में अब आएगी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ चुकी है। जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिएगा, आई डिड नॉट गो होम। तो यहाँ पे देखो, आई के साथ डिड का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट सिंगुलर और चाहे प्लूरल, यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, और नॉट के बाद मैंने क्या यूज किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है, गो, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न समझा दिया गया है आपको। इसी तरीके से अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको बताया था कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ध्यान रखना, इसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिड आ चुका है तो डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और यदि डिड नहीं आता तो इन दैट केस पास इंडेफिनेट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने यहाँ पर डिड का यूज करेंगे सबसे पहले, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट या फिर ईटीसी जो भी आता है। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा, डिड आई रीड ए स्टोरी। अब देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस मेरा क्या है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या थी पास्ट इंडेफिनिट में मेरे पास डिड, डिड के बाद मैंने सब्जेक्ट का यूज किया वो क्या है आई, और आई के बाद मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया वो क्या है रीड, और रीड के बाद मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आता है मेन वर्ब के बाद। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है ए स्टोरी, और ए स्टोरी के बाद में क्या लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, तो मेरा कौन सा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में आप जानते होंगे शायद क्या मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ठीक है ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डब्ल्यू एच वर्ड भी ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले यदि मैं डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर लेता हूँ, ठीक है जैसे मान ली जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें मैं वेयर का यूज करता हूँ, वेयर डिड आई रीड ए स्टोरी, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मैंने कहानी कहाँ पढ़ी, ठीक है तो डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करके भी हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बस इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, और यदि यस और नो में कोई क्वेश्चन का आंसर देना हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ही आती है केवल। अब आ जाते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें क्या होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, ठीक है अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का यूज कर लिया, अब इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम अब सब्जेक्ट के बाद किसको ऐड करेंगे नॉट को। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लीजिएगा, उसी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जांपल, जैसे कि डिड आई नॉट रीड ए स्टोरी, अब यहाँ पे मैंने आई के जस्ट बाद में यदि नॉट का प्रयोग किया है और मेन वर्ब से पहले मैंने नॉट का प्रयोग किया है तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है एक्सरसाइज 3 हम इसके देख लेते हैं वर्ग, ठीक है इसमें 10 क्वेश्चन है जहाँ पर मैं आपको एक और फर्स्ट वाला सेकेंड वाला समझा देता हूँ। आई डैश them into the dustbin, अब देखिए पास्ट फॉर्म हमें फुलफिल करनी है, थ्रो की पास्ट फॉर्म क्या होती है पहले सेंटेंस देखो सेंटेंस कौन सा है अफर्मेटिव, क्यों क्योंकि सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है तो वहाँ पे क्या आता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो थ्रो की सेकेंड फॉर्म क्या है थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई थ्रू them into the dustbin, ठीक है सेकंड वाला देखिए वी डैश आवर फादर एट द शॉप, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस कौन सा है पहले सेंटेंस की पहचान करनी है, ठीक है सेंटेंस कौन सा है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा वी हेल्प्ड आवर फादर एट द शॉप। इसी तरीके से आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ ये कंप्लीट करना है, कलम हमारा जो लास्ट है द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ये कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से ये टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू थैंक्स सो मच फॉर यू।